जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन आर्मी ज्ञान में। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर से उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए, 30 डेज सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम आपके लिए लेके आए नेक्स्ट पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट पार्ट जो है वो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में आज बात करेंगे दोस्तों। फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करेंगे दोस्तों। फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने बात कर ली है प्रीवियस वीडियोज़ में, सो आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। सो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी आती हैं दोस्तों पार्ट नंबर 4A में। सो देखिए दोस्तों, इट विल बी इंक्लूडेड इन पार्ट 4A। ओके, सो जो ये ड्यूटीज़ थी ना, ये रेकमेंड की गई थी सरदार, याद रखिएगा दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। सो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रेकमेंड किया था। ये टोटल कितनी हैं? ये टोटल हैं 11 ड्यूटीज़। ठीक है दोस्तों, ये 11 ड्यूटीज़ हैं जो आर्टिकल 51A में आती हैं, 51A पार्ट 4A में आती हैं। तो ये अमेंड कब की गई थी? ये अमेंड की गई थी 42nd अमेंडमेंट में, 42nd अमेंडमेंट 1976 में की गई थी दोस्तों, 1976 में। सो ये ड्यूटीज़ कौन कौन सी हैं? पहली ड्यूटी है कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करना या उसके कहने पे रहना, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ही जो भी वर्क है वो करने, विद द नेशनल इंटीग्रिटी और नेशनल एंथम फ्लैग, इसकी रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल एंथम फ्लैग, ये वाली फर्स्ट है। उसके बाद है चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आर नेशनल स्ट्रगल फ्रीडम। सो चेरिश नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। नेक्स्ट वाला जो है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, अपहोल्ड यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सो ये दोस्तों जो नेक्स्ट वाला है वो है कंट्री को डिफेंड करना, डिफेंड कंट्री, अगर कोई हमारी कंट्री को एलिगेशंस लगाए या कुछ कहे, सो वी हैव टू डिफेंड, बचाना है हमें हमारी कंट्री को। नेक्स्ट वाला जो है प्रमोट करना, क्या प्रमोट करना? हार्मनी, प्रमोट हार्मनी, ब्रदरहुड, ब्रदरहुड, सो हार्मनी एंड ब्रदरहुड को प्रमोट करना। नेक्स्ट है वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, एवरी सिटीजन शुड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, अब नेचुरल एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट। सो नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट इज टू डेवलप द साइंटिफिक टेंपर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, एंड
साइंटिफिक टेम्पर बना के रखना, साइंटिफिक टेम्पर बनाना और इन स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी अपने अंदर जगाए रखना। तो सेफ गार्ड ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी सेफ गार्ड, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड एज केस मे बी बिटवीन एज ऑफ 6 to 14। सिक्स एज कितनी होनी चाहिए, एज 6 to 14 तक। सो बट एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, कोई भी फंडामेंटल है नहीं हमारे पास, राइट नहीं है या लीगल लॉ नहीं है, प्रेजेंट नहीं है कि जिससे हम ये ड्यूटीज़ को बाउंड कर सकें, बाउंड टू अबाइड, ठीक है दोस्तों। सो उम्मीद करता हूँ आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ली होगी। मैंने हर एक आस्पेक्ट को टच किया है दोस्तों इस वीडियो में। सो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपकमिंग एग्ज़ाम में हमारा ये सीरीज़ कॉन्स्टिट्यूशन वाला सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। नए दोस्त जो हमारे साथ जुड़े हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको हमारे चैनल से बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। सो हमारा आज तक का वीडियो यहीं तक था दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।